नमस्कार मैं प्रज्ञा धराध तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा पर रहे जहां उन्होंने दोनों राज्यों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दिया पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर अपने दौरे की जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब ग्यारह पंद्रह बजे मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे और पचास हजार सात सौ करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया इन परियोजनाओं में बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में दस नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल है आज यानी कि 14 सितंबर को पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है बता दें कि आज ही के दिन उन्नीस में हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था और भारत ने अपना पहला हिंदी दिवस वर्ष उन्नीस में आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को मनाया था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी को पहली भाषा में बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 425 मिलियन है तो वहीं दूसरी भाषा के रूप में बोलने वाले लोगों की संख्या 120 मिलियन है राजघाट पर विदेशी नेताओं के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा जिसमें रघुपति राघव राजाराम गीत बज रहा है अब इसे शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि गीत में कथित रूप से अल्लाह शब्द हटाकर श्याम और धनुषधारी सीताराम जोड़ दिया गया था लेकिन आज तक फैक्ट चेक ने पाया की जी के दौरान राजघाट पर बचाए गए रघुपति राघव राजाराम गीत में कोई बदलाव नहीं किया गया था भाजपा ने जी शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए बुधवार को प्रस्ताव पारित किया पार्टी की ओर से कहा गया है कि समूह की भारत की अध्यक्षता को हमेशा पीपुल्स जी बीस के रूप में देखा जाएगा प्रस्ताव में भाजपा संसदीय बोर्ड ने शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की ओर से दिखाई गए मजबूत नेतृत्व और अरूट प्रतिबद्धता का उल्लेख किया इसमें कहा गया की जी दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत के कूटनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप से जुड़ गया है यह एक परिवर्तनकारी क्षण है जिसमें जरिए ऐसी वैश्विक मंच आरोप अब हमारे राष्ट्र को देखा जाएगा शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों धूम मचा रही है इस बीच भाजपा ने बुधवार को किंग खान को शुक्रिया कहा साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है बीजेपी ने दावा किया कि यह फिल्म कांग्रेस के 10 साल के भ्रष्ट और नीतिगत पंगुता ग्रस्त शासन को उजागर करती है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए लिखा की हमें जवान मूवी के माध्यम ऐसी दो हजार चार दो तक भ्रष्ट नीतिगत पंगुता ऐसी ग्रस्त कांग्रेस शासन को उजागर करने के लिए शाहरुख खान को धन्यवाद देना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से पर्दा उठ गया है जिसे पर पिछले कई दिनों से तमाम कयास लगाए जा रहे थे बुधवार को जारी लोकसभा और राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र के पहले दिन संविधान सभा से शुरू हुई पचहत्तर साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जाएगी चर्चा के दौरान जिन विषयों फोकस किया गया है उन्हें पचहत्तर साल की संसदीय यात्रा की उपलब्धियाँ अनुभव यादें और सीख शामिल हैं पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा लिख दिया कि तुरंत डिलीट करना पड़ा ट्वीट के जरिए उनका निशाना केंद्र पर था हालांकि ट्वीट डिलीट करने के कुछ देर बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो पोस्ट करते हुए कुछ लाइन लिखी उन्होंने लिखा की जिस देश का कर्नल मेजर और डीएसपी शहीद हुआ हो उसका प्रधानमंत्री बेसर्मी ऐसी खुद पर पुष्प वर्षा करवा सकता है सच में हमारे यहाँ नीरो का बाप पैदा हुआ है मगरमच्छ की खाल है इनकी बेशर्मी के बेमिसाल प्रतीक है केंद्र सरकार की कैबिनेट ने आज साइप्रस की कंपनी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में नौ करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंशन पर करेगी जिससे देश में नौकरियों के नए अवसर बनेंगे सुवेन लाइफ साइंसेज साइप्रस की बिहारानंदा लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कंपनी है फार्मा सेक्टर में कुल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले पाँच साल के दौरान तिरासी करोड़ रुपए का रहा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में सप्ताह में मात्र उन्तीस घंटे ही पढ़ाई होगी सोमवार से शुक्रवार तक पांच से साढ़े पांच घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास होंगे दो शनिवार को छुट्टी रहेगी इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा पैतालीस से घटकर पैंतीस मिनट किया जाएगा प्रमुख विषयों की कक्षा पचास मिनट तक लगेगी इससे स्कूली बच्चों आरोप पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा राज्य की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरस लागू करने के उद्देश्य ऐसी शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के एनसीएफ के तहत ही स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई करने के निर्देश दिए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि शोध विद्वानों को भारत के बारे में समय समय पर फैलाई जाने वाली गलत और राष्ट्रविरोधी विमर्श का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे रहना होगा यूरोप के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर ऐसे गलत एजेंडे वाले लोगों के लिए यहाँ चीजें काम नहीं करती है तो वे यूरोप जा सकते हैं ब्रिटेन जा सकते हैं वहाँ हमेशा उन्हें सुनने वाले कुछ लोग होंगे उन्होंने कहा की जब कुछ लोग भारत का विकास देखते हैं तो उन्हें यह हजम नहीं होता है जवानों से अब छुट्टी के दौरान घर पर जाने के दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने की तैयारी है इस संबंध में सेना और सरकार के बीच विचार विमर्श चल रहा है सेना ने छुट्टी पर जाने वाले हर जवान को अपनी रुचि और अपने स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की कोशिश में योगदान देने की सलाह की है साथ ही चलाए गए अभियानों पर हर तीन महीने में फीडबैक देने के लिए भी कहा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने एक उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि हमने दिल्ली में स्कूल शानदार बनवाए मुझे खुशी है कि दिल्ली के बाद अब भगवंत मान की पंजाब सरकार ने भी वही शिक्षा क्रांति पंजाब में शुरू की है अमृतसर के किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ दी जा रही है आज पहला स्कूल बना है पंजाब के हर सरकारी स्कूल को ऐसा ही बनाएंगे इस बीच अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की सरकारी स्कूल के तीस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को मुफ्त बस सेवा मिलेगी अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि अडानी विंड के में बनाए देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटरों का विंडगार्ड जीएमबीएस से प्रमाण पत्र मिल गया है यह प्रमाण पत्र मिलने से अडानी विंड वैश्विक बाजारों के लिए श्रृंखला के जनरेटरों का उत्पादन शुरू कर पाएगी अडानी विंड अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विंड एनर्जी सोल्यूशन इकाई है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के निदेशक विनीत जैन ने कहा कि यह प्रमाणन कंपनी को पाँच मेगावाट चेन के विंड टर्बाइन जनरेटरों की क्वालिटी और मजबूती को स्थापित करता है सी के नए नियम के मुताबिक हर टेलीकॉम कंपनी को साल में एक बार अपने मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए ऑडिटर्स से चेक करवाना होगा ऑडिट के दौरान यदि किसी कंपनी ने ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूला है तो ऑडिटर को इस बात का हाईलाइट कर कंपनी को बताना होगा और संबंधित कंपनी को ऑडिट डेट के तीन महीने के भीतर ग्राहकों को उनका पैसा लौटाना होगा नया नियम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा ग्यारह सितंबर को अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता नियम दो का हिस्सा है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिलंकर ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी जमकर तारीफ की है बिलंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी कभी इतनी बेहतर नहीं रही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका हर चीज पर एकजुट है चाहे वह उन्नत अर्धचालक हो या रक्षा सहयोग हो हम अपने गठबंधनों और साझेदारियों को बेहतर और मजबूत कर रहे हैं और नए गठबंधन बना रहे हैं अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी कभी इतनी अधिक गतिशील नहीं रही जितनी अभी है एडवांस्ड सेमी से लेकर रक्षा सहयोग तक हर चीज में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की बिक्री मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा झटका दिया है एनसीएलटी ने फैसले को लंबित रखने के अनुरोध वाली टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की याचिका खारिज कर दी है एनसीएलटी ने टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की याचिका करते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि समाधान योजना आवेदन पर सुनवाई की जाए विवेक अग्निहोत्री वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म द वैक्सीन वॉर को लेकर सुर्खियों में है इसी कड़ी में विवेक शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर अपने दोहरे रवैये के कारण ट्रोल किए गए निशाने पर आ गए है दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म जवान के ट्रेलर की प्रशंसा की थी फिल्म मेकर ने कहा था कि वह इसे सिनेमाघर में देखने का इंतजार नहीं कर सकते हैं दूसरी ओर जवान के ट्रेलर लॉन्च होने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीम के जरिए फिल्म का मजाक उड़ाया था साथ ही एक इंटरव्यू में निर्देशक ने यह भी कहा था कि वह शाहरुख खान से प्यार करते हैं लेकिन उनके सिनेमा से सहमत नहीं है भारत को यूरोप से जोड़ने वाले सारथी कॉरिडोर के रास्ते में तुर्की भी आता है लेकिन उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है सहमति के दो दिन बाद तुर्की के राष्ट्रपति रिचे तैयप अर्दवान ने उन्हें शामिल न किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि उनके बिना यह कॉरिडोर नहीं हो सकता है दुनिया के नक्शे पर तुर्की एक ऐसा लिंक है जो पश्चिम को पूर्व से जोड़ने का काम करता है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में तो कुछ हिस्सा एशिया में आता है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा ने बुधवार तेरह सितंबर को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला राघव चड्डा ने मोदी सरकार पर जानलेवा महंगाई देने का आरोप लगाया चड्डा ने कहा कि दवाई से लेकर पढ़ाई तक हर चीज महंगी हो गई है 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का जिक्र किया चड्डा ने कहा की फिल्म का गाना था सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है आज ये गाना देश के एक बड़ी आबादी के कान में रोजाना गूंजता है आज इस देश में जानलेवा महंगाई है और इस जानलेवा महंगाई के चलते दवाई से लेकर पढ़ाई तक हर चीज महंगी हो गई है इस मोदी सरकार ने पिछले नौ वालों में तीस साल की सर्वाधिक महंगाई देने का काम किया राज्य सभा सांसद कपिल सिब्बल ने मुगल सम्राट अकबर की तारीफ करने वाले जी बुकलेट को लेकर बुधवार को सरकार पर कटाक्ष किया उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दो चेहरे हैं एक चेहरा दुनिया के लिए और दूसरा भारत के लिए सिब्बल ने भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी शीर्षक वाली जी बुकलेट के अड़तीसवे पेज का जिक्र किया जिसमे अकबर के बारे में बात की गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय बारह दिन के दुबई और स्पेन दौरे पर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय 12 दिन के दुबई और स्पेन दौरे पर है इसी कड़ी में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह ने ममता बनर्जी ने पूछा क्या वे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही हैं इस सवाल पर हंसते हुए सीएम ने सिर्फ इतना कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वे जरूर सत्ता में आ जाएंगे ममता ने अपनी इस मुलाकात को लेकर विस्तार से बताया उन्होंने कहा की वे श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात कर काफी खुश हुई उन्हें खुद श्रीलंका आने का निमंत्रण भी दिया गया यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेन ने इंडिया स्पेन डिफेंस डील के तहत भारत को पहला सी दो मिलिट्री एयरक्राफ्ट सौंप दिया है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने यह प्लेन स्पेन के सिविले सिटी से रिसीव किया है एयर चीफ मार्शल एक दिन पहले ही प्लेन को रिसीव करने के लिए स्पेन पहुंच चुके थे और इसे जल्द ही भारत लाया जाएगा रिपोर्ट की माने तो सी दो मिलिट्री एयरक्राफ्ट को स्पेन के सिविल शहर स्थित प्लांट में तैयार किया जा रहा भारतीय वायुसेना में इसका फाइनल इंडक्शन इसी महीने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किया जाना है जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट मई दो तक भारत को मिल जाएगा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी के भीतर दो गुटों के बीच लड़ाई के बाद लगभग दो घंटे तक बंद रखा गया हिंदुस्तान टाइम्स को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बांकुड़ा शहर में पार्टी कार्यालय के भीतर भाजपा के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया था केंद्रीय मंत्री भी वहाँ मौजूद थे उन्हें घंटे भर से अधिक समय के लिए बंद कर दिया गया था हमें मदद के लिए फोन आया था और हम मौके पर पहुंचे भीड़ को तितर बितर किया गया और मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखते हुए उनके खिलाफ दायर दुर्व्यवहार की एक शिकायत के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन पर पिछले बयालीस महीनों से उत्पीड़न का आरोप लगाया है रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में कार्यरत प्रोफेसर राजीव को डर है की उनके खिलाफ लंबित जाँच का हवाला देकर उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ रोका जा सकता है उनका रिटायरमेंट मार्च दो में होना है कल कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद होने वाले अधिकारियों के नाम कर्नल मनप्रीत सिंह बटालियन कमांडर मेजर आशीष धोनाक और डीएसपी हुमायूं पी भट्ट है इन जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने एक्सपर्ट लिखा आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के तीन अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी चाहे कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही का टाल नहीं सकते देश के कई राज्यों में बीते कई दिनों से जोरदार बारिश देखने को मिल रही है जिससे कई जगहों पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है जबकि कई इलाकों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उड़ीसा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है वही दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश लक्षद्वीप तेलंगाना पूर्वोत्तर भारत उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम में मध्यम बारिश और बिहार झारखंड आंतरिक कर्नाटक रायलम सीमा पश्चिमी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना जताई है तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि उन्हें ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए उसी दिन को चुना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक में शामिल न हो पाए लगभग दस घंटे तक चली मैराथन पूछताछ के बाद रात नौ बजे ऐसी थोड़ा पहले ईडी कार्यालय ऐसी बाहर निकालने के बाद तृणमूल सांसद ने कहा की इंडिया के घटक दलों के सदस्यों ने मुझे ईडी के समन को नजरअंदाज करने और समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने की सलाह दी थी लेकिन मैंने ईडी कार्यालय आने का फैसला किया मैंने इंडिया के सदस्यों से बैठक को स्थगित न करने का भी अनुरोध और बुधवार सुबह ग्यारह बत्तीस बजे ईडी कार्यालय पहुंचा पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर अब हर भारतीय जल्द ही गर्व से गा सकेगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत ने अटारी बॉर्डर पर तिरंगे के लिए लगाए गए पोल की ऊंचाई को पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी 18 फीट ऊंचा कर दिया है फिलहाल भारतीय तिरंगे के पोल की ऊंचाई 360 फीट थी जबकि पाकिस्तान झंडे के पोल की ऊंचाई चार फीट रखी गई है भारत का स्वर्ण द्वार के सामने चार फीट लंबा ध्वज स्तंभ तैयार है और उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है केंद्र सरकार ने बजट के अनुकूल वंदे साधारण ट्रेन लाने का फैसला किया है इन ट्रेनों का लक्ष्य बजट के प्रति जागरूक यात्रियों को किफायती यात्रा प्रदान करना है हालांकि नाम की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है वंदे साधारण को ऐसे रूट पर चलाने की तैयारी है जिन रूटों पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही अधिक और ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है इसके लिए रेलवे ने सर्वे भी कराया है रेलवे के आधिकारिक सूत्र बताते हैं की ट्रेन के बनाने की प्रक्रिया आई चेन्नई में शुरू हो चुकी है इसे अगले कुछ महीने में तैयार कर लिया जाएगा भारत में सामने आए निपाह संक्रमितों की जिनोम सिक्वेंसिंग में पता चला है कि वायरस का स्ट्रेन बांग्लादेश व मलेशिया में फैलने वाले स्ट्रेन जैसा ही है केरल में निपाह संक्रमण से दो लोगों की मौत के बाद सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है अब तक 10 राज्यों में इस वायरस की मौजूदगी का पता चल चुका है बावजूद इसके एक या दो राज्य को छोड़ बाकी कोई भी निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर काम नहीं कर रहा खतरनाक निपाह वायरस ऐसी दो लोगों की मौत के बाद केरल के कोजीकोट जिले में चालीस ऐसी अधिक कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं इलाकों में पुलिस घेराबंदी कर स्कूल बैंक और अन्य संस्थाओं को बंद कर दिया गया है हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार धनंजय कुमार मोहम्मद सकीर हुसैन नौसुद अंसारी बाबूलाल मरांडी अनवर करीम खान वंदना कुमारी अब भरते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है भारत में आपका मन पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद